खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एहतसाब का नया कानून नाफिज करने के लिए बिल तैयार कर लिया गया है। ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम का बिल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल के जरिए पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी के साथ आवाम के तहफ़ हकूक़ का यकीनी बनाएगी। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एहतसाब का नया कानून नाफिज करने के लिए बिल तैयार किया गया है। ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम का बिल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल के जरिए पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी के साथ आवाम के तहफ़ और हकूक़ का यकीनी बनाना है। हसन अली से तफसीलात हासिल करेंगे। हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम के लिए बिल जो है वो तैयार कर लिया गया है और इसे कहा जा रहा है कि ऐवान में बहुत जल्द पेश किया जाएगा। इसमें एहतसाब के हवाले से ये नया कानून मुतारक करवाया जाएगा जिसमें कई एक तरामीम की गई हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, उसकी इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन का जो निज़ाम है उसको भी ठीक किया जाएगा। उसके लिए कई एक तरामीम है। इसमें यह भी वाजे किया गया है कि वो पुलिस एहलकार उनको सजा के जुमरे में जो है तस्वर किया जाएगा जो किसी भी शख्स की दरख्वास्त न लें या दरख्वास्त के हवाले से कोई भी शिकायत सामने आए। इसी तरह इसमें सबसे खास बात जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से है जो आईजी से लेकर चीफ सेक्रेटरी सीएम को दी गई है। सीएम के पास ये इख्तियार होगा कि वो इस किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस में वो कर सकेंगे। इसके अलावा वजीर आला के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी के जरिए आईजी जो है वो ऑफिस के ऑपरेशनल और इंतजामी उमूर चला सकेंगे। दीगर कई एक तरामीम में ये भी शामिल है कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए मौसर निज़ाम जो है तमाम तर थानों में मुतारफ करवाया जाएगा और पुलिस अफसरान को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि वो अवामी शिकायत का अजाला करें और फौरी तौर पर किया जा सके। जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम के लिए बिल जो है वो तैयार कर लिया गया है और इसे कहा जा रहा है कि ऐवान में बहुत जल्द पेश किया जाएगा। इसमें एहतसाब के हवाले से ये नया कानून मुतारक करवाया जाएगा जिसमें कई एक तरामीम की गई हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, उसकी इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन का जो निज़ाम है उसको भी ठीक किया जाएगा। उसके लिए कई एक तरामीम है। इसमें यह भी वाजे किया गया है कि वो पुलिस एहलकार उनको सजा के जुमरे में जो है तसव्वुर किया जाएगा जो किसी भी शख्स की दरख्वास्त न लें या दरख्वास्त के हवाले से कोई भी शिकायत सामने आए। इसी तरह इसमें सबसे खास बात जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से है जो आईजी से लेकर चीफ सेक्रेटरी सीएम को दी गई है। सीएम के पास ये इख्तियार होगा कि वो इस किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस में वो कर सकेंगे। इसके अलावा वजीर आला के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी के जरिए आईजी जो है वो ऑफिस के ऑपरेशनल और इंतजामी उमूर चला सकेंगे। दीगर कई एक तरामीम में ये भी शामिल है कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए मौसर निज़ाम जो है तमाम तर थानों में मुतारफ करवाया जाएगा और पुलिस अफसरान को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि वो अवामी शिकायत का अजाला करें और फौरी तौर पर किया जा सके। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com